पटना के स्कूल पर बाइक के लिए होगी अलग लेन। उद्घाटन के बाद कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे दूसरा जिला। अगर आपने भी कभी राजधानी पटना की सड़कों पर बाइक या कार या फिर कोई अन्य वाहन से सफर किया होगा तो आपका भी सामना सड़कों पर लगने वाले जाम से जरूर हुआ होगा। इस दौरान जिनके पास बाइक होती है वो तो किसी न किसी तरह से मुख्य सड़क के आसपास वाली गली या छोटी सड़कों के सहारे जाम से बाहर निकल आते हैं, पर कार या बड़े वाहन वाले उसी जाम में फंसे रह जाते हैं। लेकिन हर बार बाइक वालों को जाम से निकलने के लिए अलग रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि लंबी दूरी की सड़कों या किसी पुल के पास दूसरी सड़कों का लिंक नहीं होता है। ऐसे में बाइक वालों को भी अन्य वाहनों के साथ उसी जाम में मजबूरन काफी समय तक फंसना पड़ता है। लेकिन पटना का एक ऐसा सड़क पुल बनकर तैयार हो गया है जहां पर बाइक वालों के लिए अलग लेन की व्यवस्था की गई है, जिसमें दूसरी गाड़ियों का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए बाइक वाले लेन पर जाम की संभावना भी ना के बराबर होगी। वहीं इस पुल पर पैदल और साइकिल से चलने वालों के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जबकि तीन पहिए से लेकर बड़े ट्रकों के परिचालन भी अलग लेन में किया जाएगा, जिससे उन्हें बाइक राइड करने वालों के वजह से आने वाली ओवरटेकिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप यह सोच रहे होंगे पटना में ऐसा कौन सा सड़क पुल है जिसपे वाहनों का परिचालन इतने बेहतरीन ढंग से किया जाएगा। दरअसल हम जिस पुल की बात कर रहे हैं शायद आपने कभी न कभी उस पुल पे जरूर सफर किया होगा। अब इस पुल को नए रूप में सबके सामने लाया जा रहा है, जिसका निर्माण पुराने ढांचे को तोड़कर बेहद ही आधुनिक तरीके से किया गया, लेकिन अब इसे नए रूप में सबके सामने लाया जा रहा है। इसका निर्माण पुराने ढांचे को तोड़कर बेहद ही आधुनिक तरीके से किया गया है, जो दिखने में बहुत आकर्षक और सफर के लिए बेहद आरामदायक है, जिस पर मात्र 15 मिनट का सफर करने के बाद आप पटना से दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह शानदार पुल बनाया ही कुछ इस तरह से गया है। नए और हाईटेक तरीके से बनाया गया यह पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो बहुत जल्द सड़कों के लिए एक आदर्श बनने जा रहा है। पटना में मौजूद ऐतिहासिक गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन 7 जून को होने वाला है। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। आपको बता दें कि पुल का पश्चिमी लेन पहले से ही चालू है, जबकि अब पूर्वी लेन भी चालू होने जा रहा है, जिसके बाद यहां लगने वाले जाम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। वहीं सिर्फ 15 मिनट में पटना से हाजीपुर तक पहुंचा जा सकेगा। पुल के संचालन को लेकर टेक्निकल टीम ने सभी मानकों की जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद टीम ने पुल पर सभी तरह के वाहनों के परिचालन की अनुमति भी दे दी है। अब बस लोगों को इस पुल के पूर्वी लेन के उद्घाटन का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वाहनों के परिचालन से पहले टेक्निकल टीम ने पुल की जांच विभिन्न पैरामीटर्स पे की है। इस दौरान पुल के पूर्वी लेन के कई हिस्सों में 18 ट्रकों को 36 घंटों के लिए रखा गया। इन ट्रकों का वजन 25-25 टन था। टीम ने सेतु पर तकनीकी खामी का पता लगाने के लिए सभी तरह के जांच को बहुत सूक्ष्म तरीके से किया, लेकिन इस दौरान किसी भी तरह का खामी सामने नहीं आई, यानी यह पुल तकनीकी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। इसीलिए टीम ने पुल की मजबूती पर मुहर लगाते हुए उद्घाटन के बाद इस पर वाहनों की परिचालन की अनुमति दे दी है।